पूजा फैमिली ब्लॉग। मैं पूजा, मैं आप लोग के लिए आज फिर से नया और प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के लिए। मैं आज फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए। हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आज क्विक जल्दी बन जाने वाला नाश्ता आप लोग के लिए लेके आई हूँ। ये हमारे यहाँ बहुत बनते हैं फ्रेंड्स, और बहुत जगह ये नाश्ता बनता है, लेकिन बहुत जगह शायद ये नहीं भी बनता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए मैं सोचू कि आप लोग को भी ये रेसिपी बताऊं, जिससे आप लोग भी बनाएं और ट्राई करके देखें। मैं आप लोग के लिए आज चने के सत्तू का पराठा लेके आई हूँ, जो बहुत टेस्टी है और बहुत क्विक बन जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, और अच्छा लगे तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। अब चलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ, तो चलते हैं। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो बड़े प्याज ले लिए हैं, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। मैंने बारीक थोड़ा काटा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रोटी फटना ना चाहिए, इसलिए मैंने बारीक काट लिया है। और इसमें मैं देख सकते हैं चने का सत्तू ले रही हूँ। आप उतना ही लीजिए जितने आपके फैमिली है, जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं। मैंने अपने अनुसार ले लिए है। इसके बाद इसमें मैंने अपने स्वाद अनुसार नमक डाला है। इसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाले हैं फ्रेंड्स। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मेरे घर में हरी मिर्ची नहीं खाते, इसलिए मैंने लाल मिर्ची पाउडर डाला। अब इसके बाद मैं इसमें अचार का मसाला डाल रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग के घर में तो होंगे ही अचार के मसाला, ऑयल सहित डालें, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसे अच्छे से मिला लूंगी फ्रेंड्स। इसमें पानी डाल करके, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हल्का भुरभुरा जैसा मैं मिला लूंगी, जिससे स्टफिंग बहुत अच्छा बनेगा, पराठे फटके निकलेंगे नहीं। देखिए, ये देखिए आप कितने अच्छे से हो गया है। अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। अब मैं आटे की तैयारी करूंगी। ये देखिए, मैंने आटा गेहूं का आटा ले लिया है फ्रेंड्स। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, और मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है फ्रेंड्स, अजवाइन डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। अब मैं इसे पानी से गूंथ लूंगी, और नरम सा पराठे बनाने के लिए नरम सा आटा गूंथ कर तैयार कर लूंगी। देख सकते फ्रेंड, एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। अब मैं इसे लोई काट लूंगी अपने अनुसार, जितना आप मोटा या पतला पराठा बनाना चाहते हैं। मैंने लोई ले लिए। देखिए, मैं इसे गोल इस तरह से कर लूंगी, जिसमें मैं पराठे का स्टफिंग भर सकूं। देखिए, अच्छे से गोल करिए, जिससे कि सॉफ्ट सा मतलब गोल अच्छा से हो सके, जिसमें अच्छे से भरा जा सके स्टफिंग। देखिए, आप लोग को तो आता ही होगा फ्रेंड्स, मैं वैसे भी बता भी दे रही हूँ, ऐसे तो सबको आता ही होगा, पराठे बनाते होंगे स्टफिंग के पराठे। मैं इसे बेल लूंगी फ्रेंड्स, आप अपने अनुसार पतला या मोटा बेल सकते हैं। देखिए, मैं ऐसा बेली हूँ। अब मैं इसे सेक लूंगी। आप इसमें जो चाहे वो लगा सकते हैं, घी या फिर सरसों का ऑयल लगा सकते हैं, और अच्छे से लाल हो करके सेक लीजिए।
देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे सारे पराठे बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं पराठे से खाने के लिए मैं धनिया पत्ता का चटनी बना रही हूँ। आप इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ या सॉस के साथ। बच्चों को सॉस के साथ दीजिए फ्रेंड्स, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, मैंने चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता ले लिया है। अब मैं इसमें डंठल सहित डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी सीजनल धनिया पत्ता है, इसे बहुत अच्छा ही लगता है। ये देख सकते हैं, मैंने धनिया पत्ता ले लिया है। इसमें मैं कुछ लहसुन की कलियां भी ले रही हूँ फ्रेंड्स। आपको पसंद हो तो डालें, ना पसंद हो तो ना डालें। मैं लहसुन और हरी मिर्च भी डालूंगी इसमें। देख सकते हैं, मैंने दो दो हरी मिर्च भी डाली है फ्रेंड्स, और मैं स्वाद अनुसार नमक भी डाल दूंगी। अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सॉफ्ट सा अच्छा सा बन के तैयार हो गया। मैं इसमें इमली अब पल्प नहीं डाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इमली डालने से क्या होता है ना कि इसे मैं रख नहीं सकती हूँ एक दो दिन के लिए, इसका कलर चेंज हो जाता है, और इससे कलर चेंज नहीं होता है, ग्रीन का ग्रीन ही रहता है। आप खाते वक्त इसमें मिला सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बच्चे के लिए सॉस के साथ दिया है, और ये हम लोग धनिया पत्ता की चटनी के साथ खाएंगे। फ्रेंड्स, इसे अपने घर पे बना के खाइए, बहुत इजी होता है, बहुत टेस्टी होता है। तब दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा रेसिपी? इजी क्विक लगा हो, टेस्टी लगा हो, जल्दी बन गया हो और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करे और मुझे सपोर्ट करके आगे बढ़ाए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।